कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि 21 दिन हम कैसे काटेंगे और हमारी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, तो कुछ सोच रहे हैं कि उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इस संकट की घड़ी में हर इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यदि एक पल के लिए सोचकर देखिए तो इन सबसे ऊपर उठकर है मृत्यु। कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर दो ही चीज है, या तो आप किसी काम को खुशी खुशी कर ले और या फिर अपना रोना रोकर कर ले। आपको करना तो है ही, और जब करना ही है तो क्यों ना हम इस चीज के पॉजिटिव साइड्स देखें जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। जब समस्या किसी एक के सर आती थी तो भी हम परेशान रहते थे, और आज जब समस्या पूरी दुनिया पर है तो भी हम परेशान ही हैं। इस मुश्किल घड़ी में परेशान होने से अच्छा है कि हम ये देखें कि हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। लिस्ट बनाइए कि इस 21 दिन के अंदर आप अपने अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, अपनी बॉडी में क्या बदलाव कर सकते हैं, अपने दिमाग में क्या बदलाव कर सकते हैं और अपने अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। लिस्ट बनाइए उन मोटिवेशनल किताबों की जो आज तक आप पढ़ना चाहते थे और अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते थे, लेकिन समय के रहते पढ़ नहीं पाते थे, अब उन्हें पढ़िए। लिस्ट बनाइए उन मूवीज की जो आप देखना चाहते थे, इंस्पायर होना चाहते थे, लेकिन अभी तक देख नहीं पाए थे, उन्हें देखिए। लिस्ट बनाइए अपने आप के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चूक है जो अभी तक आप करते आ रहे थे जिसकी वजह से सफल नहीं हो पा रहे थे। अब या तो ये 21 दिन आपके खाते हुए सोते हुए और आराम करते हुए निकल जाएंगे, और या फिर इस 21 दिन के बाद आप एक पावरफुल इंसान के रूप में दुनिया के सामने आएंगे। हर इंसान यही सोचता था कि मुझे अपने आप को बदलना है, लेकिन बदलने के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए ना, आपके पास समय भी है और आपके पास मौका भी है। अपने आप को बदलिए, सोचिए कि आप अपने आप में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रूव करना चाहते थे। यही वो समय है जब आप एक बार फिर से या तो बहाना बना सकते हैं और या फिर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना। मुझे पता है कि अभी भी कई लोगों के घर वाले मान नहीं रहे होंगे, वो अभी भी घर से बाहर जा रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो खुद को और पूरे परिवार को कितने बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप खुद से ये वादा कीजिए कि अपने किसी भी घर वाले को घर से बाहर नहीं जाने देंगे जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। आपको इस बात को अपने दिमाग में बिठाना होगा कि मृत्यु से बड़ा कोई काम नहीं है। किसी एक इंसान की लापरवाही के कारण पूरे के पूरे परिवार तबाह हो सकते हैं, इसलिए इस बात को गंभीरता से लीजिए। कुछ दिनों के लिए दुनिया की हर चीज को, हर शख्स को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान लगाइए कि आगे आपको क्या करना है। घर में बैठे रहना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन यही मुश्किल की घड़ी है और यही आपके इम्तिहान की भी घड़ी है कि आप इसमें पास हो पाएंगे या नहीं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहां से हैं और आपके शहर में क्या स्थिति है। और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो चुके हैं, और इस स्थिति में